बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY631 का लेसन नंबर 36 करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, लोकस ऑफ इंटरेस्ट और मल्टी डायमेंशनल हेल्थ एफिकेसी, इन चीज़ों को आप लोग कैसे मेजर कर सकते हैं और ये होती क्या क्या चीज़ें हैं, इनको हम लोग आज स्टडी करेंगे। इनसे रिलेटेड जो टेस्ट हैं उनको भी हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन लोगों ने डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन करना है वो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लें। वीडियो आप लोग देखिए, उसमें सारा के सारा तरीका बताया हुआ है। आज हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स के बारे में। तो सबसे पहले वैसे तो हम लोगों ने ये देखा था ना कि मुख्तलिफ किस्म के पर्सनैलिटी के करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना, पर्सनैलिटी के डायनामिक्स को, इंटरेस्ट वगैरह को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हम लोग टेस्ट पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि हमें पर्सनैलिटी के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी असेस करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एटीट्यूड्स और ओपिनियंस, ये दो अलग ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटीज़ के अंदर पाए जाते हैं। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? किसी भी स्टिमुलस की तरफ जो आपका फेवरेबल या अनफेवरेबल रिस्पांस या रिएक्शन होता है, चाहे किसी नेशनल या एथनिक ग्रुप के बारे में हो, या किसी रिवाज के बारे में हो, या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में हो, उसको हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। यानी कि कोई चीज़ आप लोगों को, कोई इदारा बुरा लगता है, इसका मतलब है कि आपका एटीट्यूड इस तरह किस्म का है कि आपका, आपको वो इदारा नहीं अच्छा लग रहा। एक और से रिलेटेड जो एक और एस्पेक्ट है, दैट इज़ अ ओपिनियन। एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, इन दोनों का आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है। ओपिनियंस ये होते हैं, ओपिनियन कैसे बनता है हमारा? ओपिनियन होता है यानी कि नज़रिया। नज़रिया कैसे बनता है? किसी चीज़ के बारे में जो कि आपका एटीट्यूड होता है ना, उसी की बुनियाद पे ही आप लोगों को कोई ना कोई ओपिनियन बनता है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की मेजर्स बनाई गई हैं जो कि एटीट्यूड्स की, एटीट्यूड्स को मेजर करती हैं। एटीट्यूड्स की मेजरमेंट के लिए जो टेस्ट बनाए गए हैं उनको हम लोग एटीट्यूड स्केल्स बोलते हैं। डिफरेंट तरह के स्केल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप लोग एटीट्यूड्स को मेजर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो एटीट्यूड और ओपिनियन सर्वेस हैं, इसमें आप लोगों को एक एटीट्यूड स्केल डेवलप करने की ज़रूरत होती है और मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को डेवलप करने की ज़रूरत होती है। और ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च का थीम क्या है, उसके मुताबिक ही आप लोग एटीट्यूड स्केल्स वगैरह डिवेलप करते हैं। ज़्यादातर जो फॉर्मेट्स अब तक डिवेलप हो चुके हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमारा थर्स्टन स्केल, जिसको हम लोग इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स भी बोलते हैं। इस स्केल में, ये वाला जो स्केल है, इसके डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो एटीट्यूड रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं वो डेवलप की गई थी। अब वो स्टेटमेंट्स कुछ पॉजिटिव भी थी और कुछ नेगेटिव भी थी, किसी भी एक एटीट्यूड से रिलेटेड या किसी भी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब इसमें होता क्या है कि मुख्तलिफ किस्म की ना पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। जजेस का एक पैनल होता है, वो हर स्टेटमेंट को ना रेट करता है 1 से लेके 11 तक। अब इसमें होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा किसी भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कोई नेगेटिव एटीट्यूड आपका होता है, उसको स्कोर दिया जाता है 1, और अगर 11 स्कोर दिया जाता है तो वो उन ऐसी चीज़ों को दिया जाता है, ऐसी स्टेटमेंट्स को, कि जिस चीज़ की तरफ आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है ना, उसको जो है ना स्कोर दिया जाता है 11। अब तमाम जजेस की जो भी रेटिंग्स होती हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, उनकी कैलकुलेशन की जाती है, और एवरेज यानी कि मीन जो है ना वो फाइंड कर लिया जाता है। अब जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनके जो भी स्कोर्स आए होते हैं, मतलब जजेस ने जो ऑप्टेन किए होते हैं ना स्कोर्स, जो कि मीन वैल्यूज होती हैं, इसके मुताबिक ही तमाम रिस्पोंडेंट्स को स्कोर दिए जाते हैं। और इसमें अब ये देखा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये कह रहे हैं ना कि नेगेटिव एटीट्यूड्स के लिए स्कोर 1 होता है, तो अगर किसी का स्कोर कम आया है, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर उसकी पर्सनालिटी जो है ना वो नेगेटिव एटीट्यूड वाली है। और अगर किसी का पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हाई स्कोर आया है, उसका मतलब है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली है। इसमें लिकर्ट स्केल का भी इस्तेमाल किया जाता है एटीट्यूड्स को जाँचने के लिए। इसमें यह होता है कि मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स डिवेलप की जाती हैं किसी भी एक एटीट्यूड या एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट्स, कुछ फेवरेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ जो है ना वो अनफेवरेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। और इसमें आप लोगों ने 5 से लेके 1 तक का कोई नंबर आपने चूज़ करना होता है, यानी कि स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री तक, इस तरह का जो है ना वो स्केल बनाया जाता है। अब कोई भी आप लोग रिस्पॉन्स चूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स चूज़ किया अनडिसाइडेड, तो इसकी जो वैल्यू है 3, ठीक है। अब इस तरह से जितने भी आप लोग रिस्पांस चूज़ करते हैं उनके साथ जो भी वैल्यूज़ होती है ना उनको आपस में कैलकुलेट कर लिया जाता है। टोटल जो ओवरऑल फिर जो स्कोर बनता है किसी भी इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर, उसके ऊपर उसको जो है ना वो फिर स्कोर कर लिया जाता है। इससे रिलेटेड और भी पॉपुलर स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। गटमैन स्केल इस्तेमाल किया जाता है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इस्तेमाल किया जाता है, सोशल डिस्टेंस स्केल का भी इस्तेमाल किया जाता है।
ये तो ये होता है कि मतलब आपसे कोई चीज पूछी जाती है और आपसे यही पूछा जाता है कि इस चीज से मुतालिक आपका एटीट्यूड क्या है, आप इस चीज के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं या क्या करते हैं, इसके मुताबिक मतलब इन्हीं स्केल का इस्तेमाल करके आपके एटीट्यूड्स को देखा जाता है। एक और जो चीज मेयर की जाती है दैट इज अ लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि इंसान की एक परसेप्शन, इंसान की बिलीफ कि वो अपनी जिंदगी में होने वाले हालात वाकयात का कंडीशंस का जिम्मेदार किसको ठहराता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डालता है। अब ये जो एक तो होता है ना लोगों का परसेप्शन होता है कि जो कुछ उन्होंने किया उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, ठीक है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो किसी और बंदे को उसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इस सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि इंसान का लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है उसकी परसेप्शन के मुताबिक। इंसान मुख्तलिफ तरीके से अपनी कामयाबियों को, नाकामियों को, अपनी बीमारियों को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी इनएबिलिटीज़ को मुख्तलिफ तरीके से परसेप्ट करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से अपना लोकस ऑफ कंट्रोल बना लेते हैं। दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग कंट्रोल को किस तरह से परसीव करते हैं। कि एक तो ये है कि हम लोग अपनी ही लाइफ के कंट्रोल में हैं, या हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में है, दूसरे लोग हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसमें फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इस कंसेप्ट की जो सबसे पहले रिपीट जो रिपोर्ट की दैट इज जूलियन रॉटर थे, रॉटर ने ये कहा था कि लोगों के इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है ना उसके बारे में उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं, लोगों के कुछ अपने अलग से बिलीव्स होते हैं और कुछ जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनकी लाइफ को, उनके इवेंट्स का जो कंट्रोल है ना वो कहाँ वाकया है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि उनकी लाइफ को, इवेंट्स को अफेक्ट कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। अब रोटर्स के जो एक ओरिजिनल इन्होंने फॉर्मुलेट किया था ना लोकस ऑफ कंट्रोल, ये इसकी डुअलिस्टिक अप्रोच है। डुअलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि इसके अंदर दो तरह के डायमेंशन मौजूद है, बायपोलर डायमेंशन है। वो यही कहते हैं लोगों का कुछ बिलीफ होता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इवेंट्स का या कौन उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंसेस कर रही हैं। अब दो तरह के डायमेंशंस हो सकते हैं, या तो इंटरनल हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल हो सकती हैं। रोडर ने यह कहा था कि लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं अबाउट द सोर्स ऑफ कंट्रोल, यानी कि उनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही होती हैं ना उनके बारे में वो एक बिलीफ्स बना लेते हैं। तो क्योंकि हर इंसान के बिलीफ डिफरेंट होता है तो वो किसी न किसी एक कैटेगरी के मुताबिक ही रिस्पॉन्स देगा, यानी कि वो ये कहेगा कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से वो अफेक्ट हुआ है, उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है उसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि इंसान के अपने अंदर ही कुछ फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उसकी सारी चीज़ों को, या तो फिर वो फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं। इन दो तरह की ही कैटेगरीज को इस्तेमाल किया जाता है और IE स्केल के थ्रू इस चीज़ को मेजर किया जाता है। उसके बाद मजीद ये एक टेस्ट जो बनाया गया था, इसमें लेवेंसन ने बड़ी ज़्यादा इसमें एडिशंस वगैरह की थी। इसमें अब जो एक कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है दैट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, मेजरमेंट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको मेजर करते हैं। इसकी जो क्वांटिफिकेशन की जाती है और इसके थ्रू आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी इंसान का अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या बिलीफ है, अपनी सेहत या अपने बीमारी का जिम्मेदार वो किसको ठहराता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो इस्तेमाल होता है वो HLC ही है, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें क्रिस्ट और उनके कॉलीग्स इन्होंने सबसे पहले एक पहला वर्जन दिया था इन्होंने LOC की मेजरमेंट का, और इसमें उन्होंने हेल्थ और इलनेस कि जो डोमेन्स रिलेटेड ही इन्होंने टेस्ट बनाया था। लेकिन उस जो उन्होंने जो टेस्ट बनाया उसके अंदर कुछ फ्लॉज वगैरह, कुछ खामियां मौजूद थी जिसकी वजह से उनके टेस्ट को ज़्यादा कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और ज़रूरत ये महसूस हुई थी कि कुछ ज़्यादा प्रेसिस मेजर्स की ज़रूरत है। BS वॉल्स्टन और KA वॉल्स्टन इन दोनों ने मिलकर बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की हैं HLC की मेजरमेंट में। इसमें जो हम लोग देखते हैं मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल्स जो बनाए गए हैं, इसमें ये किस तरह के स्केल्स हैं। MHLC में 6-point Likert response पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 3 स्केल्स मौजूद होते हैं। अब इन स्केल्स में क्या होता है कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को इस्तेमाल किया गया है। इस डायमेंशन में जो हम लोग ने ये देखा था ना कि दो तरह के डायमेंशन होते हैं, वैसे तो कि एक्सटर्नैलिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं या तो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इस टेस्ट के अंदर जो एक्सटर्नैलिटी वाले जो डायमेंशन होते हैं उनको आगे फर्दर दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया गया था।
इसी वजह से स्प्लिट कर किया जा था जब इन्होंने, तो ये कहा था कि जो एक्सटर्नैलिटी वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना उसमें मजीद दो फैक्टर्स पाए जाते हैं। इसकी बुनियाद पर इन्होंने फिर दो स्केल्स बनाए थे, एक स्केल है पावरफुल अदर्स हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरा जो स्केल था दैट इज अ चांस हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। एक तो EHLC को पहले तो सिंगल डायमेंशन के तौर पर ट्रीट किया जाता था ना, लेकिन इसमें क्या था न्यू वर्जन्स में इसको अलग दो अलग जो है ना वो कंपोनेंट्स में इसको ट्रीट किया जाता, PHLC और CHLC। PHLC का मतलब ये है, PHLC मैयर करता है कि पावरफुल अदर्स हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि इंसान बिलीव बना लेता है कि दूसरे किसी और इंसान का उसकी हेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है या हुआ है। जो लोग इस तरह का बिलीव रखते हैं वो यही कहते हैं कि या तो फैमिली या फ्रेंड्स या डॉक्टर्स या हॉस्पिटल का स्टाफ या जो दूसरे कोई भी जो मुख्तलिफ लोग होते हैं ना वो डिटरमिन करते हैं हमारी हेल्थ को। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ये बिलीव होता है कि हमारी हेल्थ जो होती है ना उसका ताल्लुक बस हमारी किस्मत से होता है, चांस से होता है, लक और फेट से होता है। ये होता है CHLC स्केल, इस चीज़ को मैयर करता है। CHLC में हम लोग उन बिलीव्स को मैयर करते हैं जो कि इंसान बना लेता है ना कि किस्मत का अमल दखल होता है और वो और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते, बस किस्मत को और चांस फैक्टर को ही जो है ना वो जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो MHLC में जो स्केल्स, तीन स्केल्स जो इंक्लूड है, एक तो इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल है और दूसरा जो एक्सटर्नल था उसको क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था तो इस हिसाब से फिर पावरफुल अदर्स हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरा जो है वो चांस हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल इसमें मौजूद था। इसमें 6 पॉइंट की रेटिंग स्केल इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुताबिक इंसान ने अपनी मर्जी से स्टेटमेंट को देख के ना आइटम्स को चूज करना होता है, स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली एग्री तक। अब इस ये जो स्केल है इसके अंदर 3 सब स्केल्स मौजूद हैं क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, ये वाले 3 सब स्केल्स हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं और इसमें 18 स्टेटमेंट्स हैं टोटल, यानी कि हर सब स्केल में 6 स्टेटमेंट्स हैं। इसमें जो आइटम्स हैं जो मुख्तलिफ सब स्केल से रिलेटेड वो मिक्सड अप हैं, यानी कि हम लोग ये नहीं कहते कि मखसूस किस्म के आइटम्स ही हैं सब स्केल्स के अंदर। इसकी स्कोरिंग का प्रोसीजर भी बहुत ही सिंपल है, इसमें जो रिस्पॉन्सेज की मार्किंग की हुई होती है उन्हीं रिस्पॉन्सेज की जो भी वैल्यूज होती हैं उनको एडअप कर लिया जाता है और उसका जो सम होता है उससे हमें ओवरऑल किसी भी इंसान के स्कोर को पता चल जाता है। अब इसमें जो सब स्केल्स होते हैं मतलब ये इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, इसमें मुख्तलिफ आइटम्स हैं उसमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको कैलकुलेट कर लिया जाता है। हम लोग ये कहते हैं कि इंटरनल वाली कैटेगरी के अंदर इंसान का ये वाला स्कोर आया है। इसी तरीके से जो होता है पावरफुल अदर्स वाला जो है इसके अंदर जितने भी आइटम्स मौजूद होते हैं उसमें जितनी स्कोरिंग होती है उसको आप लोग आपस में ना एडअप कर लेते हैं। आप जिस सब स्केल पे चाहे चांस वाले पे चाहे पावरफुल वाले में या चाहे इंटरनल फैक्टर में जिसमें इंसान के स्कोर्स ज़्यादा होते हैं उसी को हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि यही इंसान जो है ना इसी चीज़ को अपना जो है ना वो लोकस ऑफ कंट्रोल मानता है। ठीक है, इसमें IHLC स्केल असेस करता है कि कुछ इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल भी होते हैं। इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि इंसान का ये बिलीव होता है कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि मेरी सेहत या बीमारी को डिटरमिन करते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के डायमेंशंस के मुताबिक ये वाले जो है वो स्किल्स वगैरह बनाए गए थे। अगर किसी इंसान का लो IHLC आता है, ठीक है, ये जो स्केल्स है ना ये वाले इनका आपस में मतलब इनकी जो कैलकुलेशंस वगैरह थी इनका आपस में स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो कोई आपस में कोई गहरा ताल्लुक इनका नहीं होता। अगर किसी इंसान के इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल भी अगर उनके स्कोर कम आए हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इंसान का बिलीव है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ उसका ज़्यादा बिलीव होगा या पावरफुल अदर्स की तरफ ज़्यादा होगा या चांस फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा होगा, ऐसे हम लोग इसको ना नहीं डिटर्मिन कर सकते। अगर किसी इंसान का IHLC पे लो स्कोर आया है तो हम लोग यही कहेंगे कि इंसान का बिलीफ है कि इंटरनल फैक्टर्स जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन बस वो उसका बिलीफ थोड़ा कम है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये वाला बिलीफ नहीं है, हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की बुनियाद पे ही नहीं हम लोग उसको जज करेंगे। अगर इंटरनल पे उसका स्कोर कम आया है तो हम लोग ये कहेंगे कि ये बिलीफ उसके अंदर एग्जिस्ट करता है लेकिन थोड़ा कम एग्जिस्ट करता है। लोकस ऑफ कंट्रोल के मैयर करने के लिए तो ये वाला सारा हम लोगों ने तरीका पढ़ा। उसके बाद सेल्फ एफिकेसी की भी मैयरमेंट के लिए टेस्ट वगैरह बनाए गए हैं। सेल्फ एफिकेसी का क्या मतलब होता है? सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि इंसान की अपने बारे में एक परसेप्शन होती है ना कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी पाई जाती है कि मैं इस तरह के रिजल्ट्स अटेन कर सकता हूँ। यूँ समझ लें कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, अपने ऊपर जो है ना वो एतमाद होना, दैट इज़ अ सेल्फ एफिकेसी। रिसर्चर्स ने ऐसे भी कुछ टेस्ट वगैरह बनाए हैं जिसमें हम लोग इंसान की सेल्फ एफिकेसी को हम लोग असेस कर सकते हैं कि इंसान की परसेप्शन का क्या असर होता है उसकी पर्सनालिटी के ऊपर
और किसी भी बिहेवियर के ऊपर। इसमें जो स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की रेंजेस हैं स्केल्स की, जो कि सेल्फ एफिकेसी को मेजर करती हैं, और उनके मुताबिक कोई भी वो रिसर्च जो है ना, कोई भी मेजरमेंट को, किसी भी टेस्ट को इस्तेमाल करके थॉट और एक्शन के दरमियान रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज है यही बात सामने आई है कि हमारी जो सेल्फ एफिकेसी होती है ना, यानी कि हमारा अपने ऊपर कितना एतमाद है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स को। सेल्फ एफिकेसी का हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। और भी मुख्तलिफ किस्म की कलेक्टिव टीचर सेल्फ एफिकेसी को भी मेजर किया जाता है, टीचर सेल्फ एफिकेसी स्केल्स भी बनाए गए हैं। हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्चेज हैं उन्होंने दो तरह की मेजरमेंट्स रखी हैं सेल्फ एफिकेसी से रिलेटेड। इनमें जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं वो इसमें हम लोग हेल्थ और जो सेल्फ एफिकेसी होती है इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप असेस करते हैं। इसमें जो दो तरीके उन्होंने बताए हैं, एक है जनरल परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी और दूसरा है परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर्स। अब इसमें हम लोग सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है उसको हम लोग देते हैं जनरल परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी स्केल। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेल्फ एफिकेसी स्केल है। इसमें जनरली हम लोग ये देखते हैं कि इंसान ओवरऑल खुद को कैसे देखता है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज पाई जाती हैं कि मैं किसी भी चीज़ को या किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मसले को सॉल्व कर सकता हूँ। ओरिजिनल जो वर्जन था ये जर्मन लैंग्वेज में था जिसमें 20 आइटम्स मौजूद थे, लेकिन बाद में इसका जो वर्जन था उसके अंदर सिर्फ 10 आइटम्स मौजूद हैं। ये जो 10 आइटम्स का जो एक वर्जन था इसको रिसर्चर्स यूज़ करते हैं सेल्फ एफिकेसी को स्टडी करने के लिए। इसको हम लोग GSE भी बोलते हैं, क्योंकि यानी कि जनरल सेल्फ एफिकेसी स्केल। इसमें ये 26 डिफरेंट जबानों में इस वक्त अवेलेबल है। ये जो स्केल है ओरिजिनली इसको बस प्रिडिक्ट करने के लिए बनाया गया था कि इंसान के अंदर कोपिंग और अडेप्टेशन किस हद तक पाई जाती है, ठीक है, यानी कि इंसान किस हद तक अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की में आने वाली रुकावटों को कॉप कर सकता है, और जब कोई स्ट्रेसफुल इवेंट चला जाता है तो उसके बाद वो दोबारा से खुद को लाइफ के साथ अडेप्ट कैसे कर सकता है। ये जो स्केल है इसमें हम लोग जनरल इंसान के सेल्फ एफिकेसी को मेजर करते हैं कि ओवरऑल उसके अंदर इंसान के अंदर ग्लोबल कॉन्फिडेंस क्या पाया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की नई नई अगर सिचुएशंस आए तो इंसान के अंदर मतलब उसको यकीन होता ना कि किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए तो मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं उसको कॉप कर सकता हूँ। तो ये जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना कि जनरल हर तरह की एबिलिटी, हर तरह की सिचुएशन से कॉप करने की उसके अंदर एबिलिटी होती है, तो इसको हम लोग फिर जनरल सेल्फ एफिकेसी स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। इसमें किसी खास एक डोमेन में हम लोग उसको नहीं मेजर करते, बल्कि हम लोग उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी सलाहियत को ओवरऑल जो है ना वो देखते हैं हर तरह की जो सिचुएशंस में स्टेबल रहती हैं। इसका जो रिस्पांस फॉर्मेट है इसमें ये बड़ा यूनिफॉर्म सा एक है, यानी कि 10 आइटम्स का जो रिस्पांस फॉर्मेट है वो एक जैसा ही है, 4-पॉइंट स्केल के मुताबिक होता है। और 4-पॉइंट स्केल मतलब इस तरीके से होता है कि नॉट एट ऑल, यानी कि डेफिनेटली नॉट, ठीक है, इससे इसको हम लोग मार्क 1 करते हैं। और इसी तरीके से 4 कैटेगरीज होती हैं, जो आखिरी कैटेगरी होती है एग्जैक्टली ट्रू वाली, उसकी मार्किंग हम लोग एज अ 4 करते हैं। फाइनल जो एक स्कोर आता है वो ऐसे आता है कि जो 10 आइटम्स होते हैं इन सारे रिस्पॉन्सेज को आपस में ऐड कर लिया जाता है, फाइनल स्कोर 10 से लेके 40 के दरमियान तक ही आता है। इसमें अगर कोई ऐसा इंसान जिसमें जिसने सारी के सारे रिस्पॉन्सेज को नॉट एट ऑल ही मार्क किया है तो हम लोग ये कहेंगे कि वो सेल्फ एफिकेसी के सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पे खड़ा है, और इसका मतलब है कि उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर किसी इंसान का स्कोर 40 आ जाता है, इसका मतलब है कि इंसान के अंदर सेल्फ एफिकेसी वाली जो फीलिंग्स हैं वो हाईएस्ट पाई जाती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मौजूद है। एवरेज अगर देखें तो इस टेस्ट को 4 मिनट्स में ज़्यादातर लोग कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ लोग इसको ज़्यादा टाइम पीरियड में भी कंप्लीट करते हैं, और कुछ जो है ना इस एवरेज टाइम से कम में भी जो है ना वो इसको कंप्लीट करते हैं। बस ये मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा दिया है, 1 से 2 दफ़ा आप लोग इस सारे को ना रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और रीड करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके जो नेम्स हैं ना टेस्ट वाले वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, पेपर आएंगे आप लोगों के तो MCQs की वीडियोस वगैरह देख के चाहिए कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए किस किस्म के MCQs आते हैं। मिड टर्म का आप लोगों ने पेपर दिया हुआ है ना, आप लोगों को काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। रट्टा लगाना आप लोगों ने नहीं होता, सिर्फ एक दफ़ा हैंड आउट को रीड करना होता है बस। मुझे अपनी तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आगे वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।